हाय एवरीवन, रिसेंटली अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है तो पता होगा कि मैंने अभी 2017 मॉडल ग्रीन सीएनजी वैगनआर एलएक्सआई मॉडल लिया है। पर्पस भी मैंने बता दिया था, मैं लोगों को ड्राइविंग सिखाने वाला हूँ। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है, दिल्ली एनसीआर में रहता है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना, फॉर्म भर देना अपनी सारी डिटेल्स फिल करके। अब इस गाड़ी का मैं ड्राइविंग रिव्यू शेयर करूँगा, हाईवे के ऊपर भी और गाँव की गलियों में भी, जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है मेरी वीडियोज़ में। गाड़ी में एक दो कमियां हैं वो मैं बताता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी गलत ले ली, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, एक दो फीचर्स बता देता हूँ, चलो फिर ड्राइविंग रिव्यू शुरू करेंगे। दोनों पावर विंडोज़ आते हैं और ये अपना ऐसा रिमोट सेंसिंग लॉक आता है विद सेंटर लॉकिंग, और यहाँ पे सीएनजी का ही लगा हुआ है। एक जो मुझे दिक्कत लगती है, एक तो खैर अभी इसमें टूरिंग स्टीरियो, उसमें गाड़ी की कोई गलती नहीं है, उस मिरर का यार बड़ा झंझट है। मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि अगर मान लो नैरो गली में खड़े हैं, गाड़ी खड़ी कर दी, कोई टकराए ना, तो मिरर फोल्ड कर देते हैं। तो मिरर फोल्ड करने के बाद अब ये कैसे वाले मिरर है कि ऐसा हिलता रहता है, बॉल जॉइंट वाला जो है इसका वो है, तो एक बार हिलाने के बाद ना ये वाला तो सेट कर लेते हैं, बड़ा नज़दीक है, वो वाला अगर फोल्ड कर दिया तो पहले उसको ऐसे एडजस्ट करो, फिर बैठ के अपने एंगल पर देखो, फिर थोड़ा बाहर करना है, फिर थोड़ा अंदर करना है, बहुत दिक्कत है। अगर ऐसा प्लान बना तो मैं इसमें इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल जो है वो लगवाऊंगा एडजस्टेबल फीचर के साथ। और गाड़ी का अब मैं ड्राइविंग रिव्यू शेयर करता हूँ, नंबर मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी अभी मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई है। चलो अब चलाकर देखते हैं। तो कैमरा सेट हो गया, चाबी मेरे हाथ में है और अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। एसी चला हुआ है, एसी ऑफ। सीएनजी इसकी अभी लास्ट सेगमेंट पे है तो लगभग मेरे ख्याल से 15-20% इसमें सीएनजी होगी, तो जब तक चल रही है सीएनजी में ही चलाते हैं, उसके बाद पेट्रोल में स्विच कर लेंगे। अभी लगा नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ और देखो गाड़ी के गियर में कोई दिक्कत नहीं है, स्टीयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक है। और किसके क्या क्या चीजें मेजर होती हैं, चलो। और मेजर सस्पेंशन, सस्पेंशन का मुझे लगता है कि थोड़े से जो है अभी लूज पड़ चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, और वो थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा है, ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा है कि हाँ काम चल जाएगा मेरा। क्लच एकदम मक्खन है, मेरे ख्याल से क्लच का काम हो रखा है पहले से, ओनर थे उन्होंने चेंज करवा रखी होगी। देखो अगर नॉइज़ ज़्यादा हो रही है गाड़ी की तो मैं माइक लगा लेता हूँ, आपको जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा आएगी, बट मेरे हिसाब से एक्चुअल साउंड जो है रिव्यू वो यही होगा, मैं विदाउट माइक जो है आप लोगों को बताऊँ। गाँव की गलियों में चलाऊँगा, वहाँ भी एक्चुअल साउंड आपको सुनाई देगी, तो यही करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू। गाड़ी जब मैंने ली तो जब डीलर के यहाँ खड़ी थी तो हल्का सा क्या था कि गाड़ी सीधी चल रही है, स्टीयरिंग टेढ़ा था, वो अलाइनमेंट उन्होंने करवा के दिए, बाकी सर्विसिंग मैंने करवा ली। अब गाड़ी में कोई भी आवाज़ ऐसी नहीं है कि हाँ गड़बड़ कर रही है कुछ। ये हॉर्न मैंने दोनों लगाए हैं, आपको गाँव में सही सुनाई देंगे जब मैं शीशे नीचे करूँगा, थोड़ा एसी चला लेता हूँ। देखो इंजन वाइज गाड़ी एकदम सही मिली है, अब कल को अचानक कोई दिक्कत आ जाए तो कह नहीं सकता, अभी तो मुझे कोई दिक्कत ऐसा लग नहीं रहा कि गाड़ी का इंजन बचा हुआ है। हाँ ये फॉर श्योर है कि गाड़ी 40,000 तो नहीं चली हुई है, ज़्यादा चली हुई है, जो सर्विस मैंने करवाई उसमें जो हाल हो रखा था कूलेंट का, और या फिर इसके चिमटे जो नीचे लगे हुए आर्म्स लगी उनका जो हाल था वो 46,000 वाला नहीं था, वो ज़्यादा का था। अब ये नहीं पता कितनी चली है, खैर छोड़ते हैं वो सब चीज़, अब ले आए उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। गाड़ी का गियर एकदम सही है, स्लॉटिंग ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ किलोमीटर के बाद गाड़ियों के गियर नहीं बचा देते लोग, वो वाला नहीं है, ना वाइब्रेशन है, कुछ भी नहीं है। एनवीएच में रोड नॉइज बहुत आती है यार इस वैगनआर में, एक वो मिरर की दिक्कत तो मैंने बता ही दी थी, और ये मैं अपने हिसाब से अब सेट कर लेता हूँ। हाँ एक दिक्कत गाड़ी की नहीं कहूँगा, उस मॉडल की ही है कि इस गाड़ी में ABS नहीं आता, तो थोड़ा रिस्की है, तो अपना जो ऑल्टो वाला एक्सपीरियंस था जो है मुझे वही लगाना पड़ेगा विदाउट ABS, जो काम ABS करता है वो अपने पैर से ही करना पड़ेगा मुझे। डिस्क पैड ठीक है, गाड़ी की सही से चली हुई है, और रही बात मैंने अभी बोला कि ABS वाला काम पैर से करते हैं, तो उससे मेरा मतलब था कि जो डबल ब्रेकिंग होती है ना वो पैर ही करके दे देगा। इंटीरियर वैसे सही है गाड़ी का, सारे फीचर सारे एकदम सही काम कर रहे हैं, कहीं कुछ टूटा जावा में ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी देखो जैसे सारे कप होल्डर दोनों साइड हैं इसके, ये सही काम कर रहे हैं। अब मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, गांव की गलियों में चलाएंगे, जिस चीज़ का मेरे ख्याल से सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सुनाऊँ, हालांकि गाड़ी को 100-120 तक भगा के देखा, 100 तो अभी ही चल रही है,
और 120 तक टिल्लू ने भगाई थी जब दिल्ली से लेकर आए थे। और सही है, गाड़ी स्टेबल है, ना बैलेंसिंग की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। अब चलो, वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स विलेज स्ट्रीट्स। सीधे चलेंगे। चाहे किसी भी काम के लिए गाड़ी हो, गड्ढे, ब्रेकर, उबड़ खाबड़, ये चीजें तो मैं नहीं कुदाता गाड़ी को। ये पहली वाली गली लेकर देखेंगे। अब शीशे थोड़े नीचे कर लेते हैं। घर वर बंद रहे। एक तो इसका सेंसर नहीं है, फिर भी ये चीज लगी हुई है, या तो बम्पर चेंज हो रखा है इसका। बम्पर तो चेंज है वैसे, तो वो सेंसर मेरे ख्याल से वापस लगाए नहीं उन्होंने, हटा दिए। आई होप व्यू अच्छा आ रहा हो। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हवा लग रही है। हाँ नहीं लगेगी तो छोटा सा है कि बच्चा बैठा था। यहाँ पे राइट लेंगे, पहले बाइक जाएगी वरने कंफ्यूज हो जाएगा। ले ही लेते हैं चलो, यहाँ तो पहले ही खड़ी है गाड़ी। ये तो निकाल लेता, वो आगे नहीं निकलेगी, वो बिल्कुल ही रास्ता रोक के खड़ी है। ये पीछे जो थोड़ी बहुत आवाज है ना, इसकी टूल किट पड़ी है, मैंने ढंग से रखी नहीं है। मजा तो आता है छोटी गाड़ी चलाने में, कहीं से भी निकाल दो, ध्यान नहीं देना पड़ता इतना। यहाँ लेंगे, चलो भाई हटो। वापिस ना लानी पड़ जाए इस गली में, पहली बार ला रहा हूं। आराम से, बहुत उबड़ खाबड़ है भाई। मुझे लगा ट्रैक्टर वो तेरी रेत पड़ा है भाई, यहाँ तो नहीं निकलेगी, रिवर्स ले जानी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज हमने बिना कैमरा और सेंसर वाली गाड़ी से सीखा है, तो आई कैन ईजिली रिवर्स द कार। ठीक है, थोड़ी सी बाहर लेनी पड़ेगी। थोड़ी सी बाहर की तरफ ना, मेरा टकराएगा। अब थोड़ी आगे लेनी पड़ेगी, वापस चलेंगे।
बस गर्दन काफी कड्डा है, धीरे धीरे चढ़ी नहीं रही थी। राइट रोटेशन काफी ज्यादा है यार गाड़ी की, मतलब वही अपना जो केटन वेटन में हुआ करती थी ना पहले वाली में। या तो मेरे ख्याल से सीएनजी जवाब देगी इसकी। चलो पेट्रोल में करके देखें, चलो पेट्रोल में। जो टाइल उखाड़ के ब्रेकर बना रखे ना भाई, बहुत खराब लगते हैं गाड़ी में। That's our beast। ये अपनी वाली, वो दूसरी वाली, उसका भी कवर लिया है। बच्चे यहाँ थोड़ा आराम से, वरना मेरी कंप्लेंट चली जाएगी घर पे। अब यहाँ एक नाला ऐसा आएगा जिसमें गाड़ी टिकने के चांसेस हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा ना टिके। अब मुझे वो है, कैमरा में तो नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल आराम से। गॉड शाबाश। इसमें ना एक ही हॉर्न था, ये दूसरा मैंने आज ही लगाया। यहाँ भी नहीं निकलेगी, बाइकें खड़ी हैं, तो आई थिंक आई शुड रिवर्स द कार। इस गली में मैं लेके चलता, लेकिन आगे वो बिल्डिंग मटेरियल कुछ पड़ा हुआ है। चले एक आधी और गलियां दिखा देंगे फिर खत्म करेंगे, अगर इंटरेस्टिंग हो रहा है तो चलने देते हैं, मेरे ख्याल से तो रहना चाहिए। गाड़ी गंदी और गर्दी यार। क्या आज कोई नहीं धुल जाएगी फिर से।
यहाँ भी छोटी सी नाली है। एक ये हल्का सा दरवाजे में आवाज है बस। चले नहीं चलाने नहीं चाहिए वैसे काम में ऐसे। चलो इसकी थोड़ी सी ना हार्ड ब्रेकिंग करके देखें, ठीक है? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, मतलब यहां देखें। चलो पीछे आ, मैंने टूल ढंग से जचा नहीं रखे इसके, आवाज कर रहे हैं। देखो मुझे वैगनार चलाने में बहुत मजा आया, मैंने पहले 2-3 बार चला रखी है, मतलब ये वाला जो मॉडल है, ये वाली जो शेप जनरेशन थी, पता नहीं 2013-12 के बाद से जो आई थी चला रखी है, मजा मुझे काफी आता। बस मुझे शिकायत वैगनार से बॉडी रोल की है। चलो वो भी, अब इसका शेप ही ऐसा है तो क्या किया जाए। बस मुझे इसके बॉडी रोल से दिक्कत है वैगनार के, और ABS नहीं इस वाले में, बस ये दिक्कत है। चलो जी खत्म, टाटा बाय बाय। दिस वाज अ ड्राइविंग रिव्यू ऑफ माय वैगनार 2017 मॉडल ग्रीन LXi CNG या LXi ग्रीन CNG। बता देना कैसी लगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे ड्राइविंग लेसन्स के लिए वेबसाइट पे मुझे विजिट कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच, खत्म, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय।